नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। अंतर्राज्य सीमा बोन कट्टा, बावन थड़ी पुलिया दे रही मौत का न्योता। जी हां, पुलिया में बना गड्ढा, निकल आई सरिया, कभी भी घट सकती है बड़ी दुर्घटना। बालाघाट जिले के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ने वाला बैंक बोनकट्टा, बावन थड़ी नदी का पुल क्षतिग्रस्त लंबे समय से हो रखा है। इसकी मरम्मत ना होने के कारण पुल की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। दो राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाले अंतर्राज्यीय पुल के बीच में एक बड़ा गड्ढा बन गया है। वहीं पुल में लगी सरिया बाहर निकल चुकी है, जिससे इस मार्ग में आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके मद्देनजर अधिकारियों द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके चलते अक्सर रात के अंधेरे में लोग इस पुल पर जाते समय चोटिल हो जाते हैं। जी हाँ, वहीं आए दिनों इस पुलिया पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर बनाया गया ये पुलिया मौत को न्योता देने वाला नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर आसपास के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए पठार संघर्ष समिति और अन्य ग्रामीणों द्वारा शासन व प्रशासन से जल्द इस पुलिया की मरम्मत की जाने की मांग भी की गई। मैं दीपक उसको तोड़े। आज मैं बहुत बड़ी गुणवत्ता मार्ग वाले जो पुलिया है सरिया वरिया भी निकल चुका है, जो कि आज तक की बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे चुका है। अतः मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन को प्रशासन के द्वारा थोड़ा शिथिल कर दिया गया है, तो अतः इस कार्य का जल्दी से जल्दी मरम्मत किया जाए, वरना आगामी समय में कोई भी बड़ी दुर्घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता।